गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री। मैं नवर्धन जांगिड, टीम सीएलसी केमिस्ट्री। आज बात कर रहे हैं डी एंड एफ लोग एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें पीपीटी नंबर 18 है। पहला क्वेश्चन देखें सर। ट्रांजिस्टर एलिमेंट हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बात है। तो इसमें बेटा जी अपन तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में। कैसे कैसे बात करें, NS2 N-1 D 1-10 मिल सकता है। बिल्कुल, NS12 N-1 D 1-10 मिल सकता है। और आपको NS012 N-1 D N-1 ये मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो दे रखा है ये कहां दे रखा है, NCERT के हिसाब से अपन बात करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सर, ये जो जीरो वाला है, जो ये पैलेडियम के केस के अंदर है, जैसे अगर पैलेडियम 46 की बात करें तो पैलेडियम से ठीक पहले इनर्ट गैस अपना कौन सा आता है, क्रिप्टॉन, और ये चौथे आवर्त का लास्ट है, तो ये पांचवें पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर 4D और 5S के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बट सर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ 5S में ये जीरो दो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं, किधर की मूव हो जाते हैं स्टेबिलिटी। अगर अपन कंसीडर करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपना एग्जैक्टली ये वाला, तो अपन ये बोल सकते हैं अगर एनसीईआरटी नहीं बात करें तो सबसे ज्यादा राइट ये है कि सभी एलिमेंट इससे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसमें पीडी को छोड़ दे तो ये कवर हो जाएंगे, इसमें कई एलिमेंट्स कवर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेजर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में, 3D श्रेणी में तत्वों की कम ऑक्सीकरण अवस्था के संबंध में एग्जैक्टली सर इस क्वेश्चन में इस टाइप से बात की गई है कि जैसे अपन जानते हैं कि 3D श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो जो स्टार्टिंग है फर्स्ट अपन हाफ की बात करें, लास्ट में बात करें, कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। बात क्या करनी है, सत्य कथन अपने को, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, सत्य कथन अपने को देखना है सबसे पहले, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो देखें सर, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज इट कैन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और से, श्रृंखला की शुरुआत में ढीली या साझा करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में D1 D2 D3 कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। इन द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के कारण वहां पर भी कम बॉन्डिंग के लिए आपको मिलेंगे। करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन में ये हो देता शायद, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज इट कैन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड दस फ्यूअर एम्प्टी ऑर्बिटल टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद। बिल्कुल सर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 1 and 2, बोथ के बारे में बात कर रखी है। तो अपन ये बोल सकते हैं सर ने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और लास्ट में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उनमें पेयरिंग हो गई और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल कम है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने की रीजन ही हो गई। तो बीच में अपने को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग वालों में जनरली अपन कह सकते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात लेते हैं सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल एंड पीटी इन क्लोज़ पर यूनिवर्स आर गिवन बिलो, बताएं सर। इसमें सर निकल और प्लेटिनम की IP1, IP2, IP3 इनका इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ऑप्शंस के बेसिस पर अपन थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हैं कि इसमें निकल प्लेटिनम प्लस टू और निकल प्लस फोर और प्लेटिनम प्लस फोर की स्टेबिलिटीज के बारे में चर्चा है। ओके, तो क्यों ना सर अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी बताएं सर। तो इसको सर अपने को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे अपन अगर निकल ग्रुप की बात करें तो निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है ना। इसकी अगर अपन सर ग्रुप की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर इसकी कौन सी होगी, प्लस टू होगी। और अगर इस ग्रुप की अपन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, प्लस फोर हो जाएगी सर। और लोअर और हायर अपन जानते हैं, NS इलेक्ट्रॉन अपन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपन NS और N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के सम से देखते हैं। इस ग्रुप के अंदर अगर इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू की बात करें और यही ग्रुप है इसके अगर अपन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी के बारे में अपन कह सकते हैं सर, लोअर की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है और हायर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये पी ब्लॉक का उल्टा है सर, बिल्कुल पी ब्लॉक में इनर्ट वेयर इफेक्ट की बात है, उसमें वहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है ना। बिल्कुल सर, और वो भी सर बॉटम एलिमेंट में, बॉटम एलिमेंट की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर से ज्यादा स्टेबल, तो वहां अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अपन इनर्ट पे इफेक्ट से समझाते हैं, जबकि यहाँ पर अपन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कैसे, देखो अगर अपन बात करें जैसे मैं सर निकल और प्लेटिनम की बात करें तो
तो प्लस टू आयन अगर अपन बता रहे तो आईपी वन और आईपी टू यहाँ पर इन्वॉल्व होगी और यहाँ पर भी आईपी वन और आईपी टू इन्वॉल्व एग्जैक्टली जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को प्लेटिनम के लिए ये आईपी वन आईपी टू का सम ज्यादा है बिल्कुल मतलब जो ऑक्सीडेशन से जो स्पीसीज बनेगी उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए ठीक है ना और अगर अपन बात करें निकल प्लस फोर आयन अगर अपन बनाए तो ऑब्वियसली इसके अंदर आईपी वन से लेकर आईपी फोर तक आईपी का इन्वॉल्वमेंट होगा और प्लेटिनम के लिए अगर अपन बात करें तो आईपी वन से लेकर आईपी फोर यहाँ सर ये आईपी वन से आईपी फोर ये सम ज्यादा है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसकी कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी क्या होगी आईपी प्लस फोर की तो ये इस डिस्कशन के बेसिस पर सर अपन वो क्वेश्चन देखते हैं उसके ऑप्शन का चयन करते हैं अपन जी सर इसमें देखिए सर वही बात है निकल प्लस टू कंपाउंड जो है वो प्लेटिनम प्लस टू की तुलना में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर आईपी वन आईपी टू का जो सम है वो इसकी तुलना में क्या है कम ज्यादा है ना और प्लेटिनम प्लस फोर जो है वो निकल प्लस फोर की तुलना में अधिक स्थायी ये स्टेटमेंट भी क्या होगा करेक्ट होगा आंसर अपना कौन सा होगा थर्ड आंसर आएगा ये ध्यान रखें बेटा कि पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बिल्कुल इंक्रीज होती है इनमें अपर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शो बाय बताएं सर डी ब्लॉक में अगर अपन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अपना आंसर ऑस्मियम जाएगा ऑब्वियसली ऑस्मियम प्लस 8 तक शो करता है और अगर अपन मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी होती है प्लस 7 होती है ठीक है ना और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का 3D5 4S1 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो मैक्सिमम 6 तक जाती है और अगर अपन कोबाल्ट की फॉर्मूले में बात करें 3D7 4S2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 NS इलेक्ट्रॉन 2 तो मैक्सिमम 5 तक जाती है तो यहां पर ऑस्मियम अपना आंसर जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन पावर इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर देखना है इनका बिल्कुल सर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सर इसमें अपन ये बच्चों ये कह सकते हैं आपको कि कोई जितना ज्यादा कम स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिल्कुल सर अगर अपन वैनेडियम मैग्नीज और क्रोमियम के कंपाउंड है तो अपन सबसे पहले तो इसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन अगर लिखना चाहें तो वैनेडियम फिर क्रोमियम आएगा फिर मैग्नीज आएगा बिल्कुल सर इनके अपन जो कंपाउंड दे रखा है एक तो VO2+ दे रखा है एक आपको Cr2O7-2 दे रखा है और एक इसमें अपन अमेनोफोर सबसे पहले तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पर ये प्लस 5 में है यहाँ पर क्रोमियम जो है वो एक प्रकार से कौन से में प्लस 6 में है और मैग्नीज जो प्लस 7 में बिल्कुल सर और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है इसका मतलब खुद रिड्यूस होंगे बिल्कुल और रिड्यूस होना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस होंगे तो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाएंगे और मैग्नीज की जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक अपन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं जैसे प्लस टू और अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम प्लस 3 रहते हैं सर क्योंकि Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है और Cr+3 का D3T2G स्टेबल कॉन्फिगरेशन का अपन स्टेबल ये ले ली और वैनेडियम की भी अपन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल +2 लेते हैं +2 और जैसा कि अपन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है इनके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज किसको मिल रही है मैग्नीज को मिल रही है तो किसको रिड्यूस होने से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज मिल रही है वो मैग्नीज है बिल्कुल तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें MnO4 हो गया बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपने को ऑर्डर अगर अपने को लिखना है तो स्टाइल तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा सर अपना तो बिल्कुल तो ये पहला आंसर अपना करेक्ट होगा बिल्कुल सर बिल्कुल सर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंज टू ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देखते हैं सर बताएं सर बिल्कुल अपन इसमें क्रोमेट का अपन एसिडिफिकेशन कर रहे हैं और इसमें डाइक्रोमेट बन रहा है और कलर के टर्म्स में क्वेश्चन है अपन ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के टर्म्स में बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक डी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्रोमियम का काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपन जैसे डाइक्रोमेट के फॉर्मेशन की बात करें तो अपन क्रोमाइट और जो इसकी सबसे मोस्ट अबंडेंट ओर है क्रोमाइट से अपन क्रोमेट बनाते हैं और क्रोमेट से अपन डाइक्रोमेट बनाते हैं बिल्कुल सर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने वाला इसमें अपन जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्रोमेट ले लिया अपने एसिड से रिएक्शन करवाई डाइक्रोमेट में चेंज इसमें एग्जैक्टली सर इसमें क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों जो है इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं जो ये इक्विलिब्रियम पीएच से अफेक्ट होता है पीएच पर डिपेंड करता है बिल्कुल जैसे अपन बात करें ये क्रोमेट आयन हो गया ठीक है ना क्रोमेट से अपने पास डाइक्रोमेट जो है Cr2O7-2 अपन जैसा कि जानते हैं इसका कलर अपने पास येलो है और इसका ऑरेंज रेड है बिल्कुल सर ऑरेंज रेड और अगर अपन पीएच का मान अगर 7 से कम करते हैं पीएच का मान 7 से कम करते हैं या एच प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये येलो कलर बिकम ऑरेंज रेड और एसिडिक मीडियम में ये बिल्कुल डाइक्रोमेट आयन बिल्कुल
और अगर पीएच का मान अगर अपन 7 से बढ़ाते हैं, पीएच का मान अगर 7 से बढ़ाते हैं या फिर ओएच आयन की कंसंट्रेशन अगर अपन बढ़ाते हैं तो डाइक्रोमेट आयन ये क्लोराइड में कन्वर्ट हो, बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन है। ये समझने के लिए अपन एग्जैक्टली इसकी रिएक्शन भी अगर लिखना चाहे तो एक बार सर इसको अपन क्लियर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये CrO4-2 है, ये अपन एसिडिक मीडियम के अंदर अगर अपन बात करें तो ये अपने पास Cr2O7-2 और ये H2 अपन मॉलिक्यूल यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा। और ऑब्वियसली बात है इसमें अगर अपन OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2 बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये डाइक्रोमेट जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट के अंदर चला जाएगा। अपन क्वेश्चन देखते हैं सर, अपन क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली इसमें है कि भाई ये क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में चेंज, ऑरेंज में चेंज, डाइक्रोमेट में चेंज, एसिड के साथ में है डाइक्रोमेट, कलर से पता लगा लेंगे। बिल्कुल डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर आपने बताया, अभी Cr2O7-2 हो जाएगा, इसमें आंसर अपना थर्ड आ गया। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ऑन हीटिंग ZnCl2.2H2 द कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज, कि अपन को ZnCl2.2H2 को हीट करना है तो अपने को क्या कंपाउंड मिलेगा बताएं सर। बिल्कुल सर, जनरली अपन जैसे अपन हीट करवाते हैं आयनिक कंपाउंड्स को तो डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑक्साइड तक जाते हैं, जनरली कुछ ऑक्साइड भी हालांकि डिकम्पोज जाते हैं जैसा कि अपन ACS के बेसिस बात करते हैं, बट यहाँ इस केस की बात करें तो यहाँ पर पार्शियल एडहेसिस होगा। तो पार्शियल एडहेसिस की रिएक्शन जो है जैसे यहाँ पर ZnCl2.2H2O इसके एक वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा अपन एडहेसिस करवा देंगे तो यहाँ पर ZnClOH बन जाएगा, एक HCl बन जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि अपन जनरल गेस करके इसमें ZnO आंसर अपन काउंटिंग कर देते हैं, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज द स्ट्रेनिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी आपने बताया वही रिएक्शन आ गई दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें क्रोमाइट ओर का यूज करते हैं अपन। बिल्कुल, ये क्रोमाइट ओर जो है जो सर ये सबसे क्रोमियम की मोस्ट अबंडेंट ओर है, मोस्ट अबंडेंट ओर है, और ऑब्वियसली अपन कोई इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर अगर कोई चीज काम में लेते हैं तो मोस्ट अबंडेंट ओर ही काम में लेते हैं। ये एक सर मिक्स ऑक्साइड है, तो ये मिक्स ऑक्साइड जैसे इसमें अपन बोल सकते हैं FeO और Cr2O3, ये इसकी एक मिक्स ओर है। इसका एक दूसरा नाम सर फेरोक्राइन भी है, ठीक है, तो ये अपन ने फेरोक्राइन यहाँ पर लिख दिया। और इसकी फिर अपन रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कैल्सिनेशन करवाते हैं, क्रोमेट बनता है, फिर अपन एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के डाइक्रोमेट बनाते हैं, इस टाइप से ये फॉर्मेशन का अपना आंसर आ जाएगा इसमें, थर्ड आंसर आ जाएगा ये आंसर अपना। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, K2Cr2O7 हीट किया है उसको, K2CrO4 में चेंज हो गया O2+X बन गया, ये हीटिंग इफेक्ट हो गया डाइक्रोमेट आयन पर, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन का उपयोग इसमें ऑटो फॉर्मेशन में भी किया जाता है और हीटिंग इफेक्ट भी पूछा जाता है, बताएं सर। इस रिएक्शन का तो एक प्रोडक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान होना है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्रोमियम प्लस 3 में ग्रीन कलर में रहते हैं। डाइक्रोमेट और परमैंगनेट दोनों के बारे में अपन डिवलो के टर्म्स में बात करें तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, साथ में आपको हीटिंग इफेक्ट वाली रिएक्शन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn इज लो बिकॉज, Mn का फर्स्ट 3D सीरीज में लो आता है अचानक से, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होने लगता है, तो बताइए सर। मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपन देखो इसके बारे में थोड़ी सी अगर अपन चर्चा करें तो एस ब्लॉक में जहां मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात करें केवल एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और डी ब्लॉक में एनएस इलेक्ट्रॉन के अलावा N-20 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। MBS एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक का ज्यादा हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल वे में बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं बाद में घटते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है बाद में घटता है, D5 पर मैक्सिमम होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मैग्नीज के पास भी है, क्रोमियम के पास में भी है, लेकिन अपन जानते हैं कि मैग्नीज का कम होता है और क्रोमियम का ज्यादा होता है, और मैग्नीज का कम क्या सर, बहुत कम होता है, कॉपर और जिंक से ही ज्यादा होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसका स्टेबल D5 कॉन्फिगरेशन होता है, और अपन जानते हैं कि ये लिखा ड्यू टू D5 मेटलिक बॉन्ड्स आर वीक, है ना। बिल्कुल, ये मेटलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी कम होती है, थोड़ा सा क्वाइट स्टेबल कॉन्फिगरेशन के कारण। नेक्स्ट बात करें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट आर ट्रू एक्सपेक्ट दैट, एक को छोड़ दो बाकी सारे करेक्ट सही है। बात करें पहले, ऑल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रोडोमिनेंटली मेटलिक, सभी संक्रमण तत्व मुख्यतया धातु है। बिल्कुल सही बात है, पूरे 40 एलिमेंट धातु है सर, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। बिल्कुल। और अगला पढ़िए सर, इन एक्वस सॉल्यूशन मेनी ऑफ द देयर सिंपल आयन आर कलर्ड। ऑब्वियसली सर, इसमें आप अपन जानते हैं सर कि N-1D जो है वो जनरली पार्शियली फिल्ड अपने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, कलरफुल मिल जाते हैं, और डी ब्लॉक वालों में कलरफुल मिल जाते हैं। और ये विब्जोर एरिया की जिसमें वेवलेंथ आता है तो वही अपने कलरफुल दिखाई देते हैं। तो ये भी अभ्यास कैसा हो गया, सही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डीजी ट्रांजिशन होगा तो आप ये सारी बातें जानते हो, आपने पढ़ रखा है। अगली बात करें, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो प्रोनाउंस्ड कैटलिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्री वैलेंसीज का पाया जाना, इन सब के कारण जो है वो कैटलाइटिक प्रॉपर्टी है। ये भी सही हो गया। देखते हैं अपन बेटा, जितनी भी ज्यादा रिएक्शन है, और तुम पढ़ चुके हाइड्रोजनीकरण, उसमें निकल का यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत सारी रिएक्शन, आप वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जैसे अपन बात करें, SO2 से SO3 बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। और अपने को रॉन्ग, ये डी ब्लॉक की तो नेचर है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की। बिल्कुल सर, जब केवल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर अपन ले जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, वो एक तो सर डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप हो गया, स्केडियम वाला, थर्ड भी, और एक लास्ट वाला हो गया ZL। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ गया अपना फोर्थ। फोर्थ ये इनकरेक्ट है। बिल्कुल सर, कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस वन, दिस इज ड्यू टू। बिल्कुल सर, ये इसकी बात करें, जब अपन ये कहते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक तो ZN वाला ग्रुप शो नहीं करता, एक स्केडियम वाला नहीं करता, तो यहाँ कॉपर के केस में अगर अपन बात करें तो Cu+ के पास, जैसा कि अपन जानते हैं, 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और Cu+2 के पास में 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है। भले ही दिखने में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये लगे, बट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सर, इसका कारण अपन इस टाइप से ले सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, Cu से अपन ने Cu+ बनाया, Cu+2 बनाया, तो अपन जानते हैं यहाँ पर IP1 है, IP2 है, अपन जानते हैं कि D10 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वेरी हाई IP है ना, अभी डी है ना, जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। बट अपन ये भी जानते हैं कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो अवेलेबल एनर्जी होती है, ठीक है ना, रिलीज एनर्जी होती है जो स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करती है स्पीसीज को, यहाँ पर Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इसमें आंसर अपन देख लेते हैं पहले, जैसे फर्स्ट तो सही हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया, हाईएस्ट चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ कॉपर प्लस आयन एज कंपेयर टू कॉपर, ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या अपन बताते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी होती है किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी Q/R पर करती है, चार्ज ज्यादा है और आर कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी अपने आप ज्यादा हो जाएगी, तो अपना फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ऐसे किसमें देखिए थर्ड ऑप्शन देख रहे थे तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन हाइपो सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बिल्कुल सर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपन सिल्वर हैलाइड की अगर अपन बात करें, चाहे AgCl हो, चाहे AgBr हो, चाहे AgI हो, अगर अपन ये इसका व्हाइट PPT होता है, और इसका पेल येलो अपन बोल सकते हैं, पेल सर, और इसका अपन डार्क येलो अपन बोल सकते हैं। अगर अपन इनका और कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहे तो इनको अगर अपन अमोनिया के अंदर बात करें, तो अमोनिया के अंदर अपन जैसा कि जानते हैं कि AgCl तो काफी अच्छा सोल्यूबल होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से, AgNH3 का होल्ड वाइज Cl इस टाइप से सोल्यूबल होता है, और यहाँ पर ये पार्शली सोल्यूबल होता है ना, यहाँ पर पार्शली सोल्यूबल होता है, तो अपन यहाँ पर जो है वो हाइपो काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि रिएक्शन तो कहने को हो जाएगी यहाँ पर AgNH3 का होल्ड वाइज Br इस टाइप से, बट ये कम बनता है। हाँ, कम बनता है, और ये तो इनसोल्यूबल होगा यहाँ, तो अपन इन दोनों के लिए कन्फर्मेटरी के लिए अपन जो हाइपो सॉल्यूशन काम में लेते हैं, और हाइपो सॉल्यूशन अगर अपन काम में लेंगे तो H2O3-2 जो लिगेंड का काम, हाइपो सॉल्यूशन में अपन बोल देते हैं ये मेनली होता है Na2S2O3, सोडियम थायो सल्फेट, सल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट, थायो सल्फेट, बिल्कुल, ये हाइपो सॉल्यूशन हो गया इसका, और इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। बिल्कुल, AgBr फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस, जो अनडिकम्पोज जो AgBr होता है, हाँ, हटाने के लिए, हटाने के लिए रिमूव करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, तो रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा अपने पास कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स तो सभी को याद होना चाहिए, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय सीरियम, सीरियम के बारे में चर्चा। तो देखिए, आप अगर लैंथेनाइड एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो सभी लैंथेनाइड एलिमेंट की एक कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है प्लस थ्री, प्लस थ्री। रेक्टिनाइड्स की बात करें तो प्लस थ्री मोर ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड, लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगी और एक ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है वो F0, F7, F14 जैसे स्टेबल कॉन्फिगरेशन के कारण
कभी कभी प्लस टू और प्लस फोर भी शो करते हैं, जैसे अगर अपन बात करें सीरियम। अच्छा एक इसमें सर इंटरेस्टिंग बात ये भी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अपन कंक्लूडेड है कि इसमें अगर प्लस थ्री के अलावा कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है भी तो भी प्लस थ्री ही सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे सीरियम की बात करें तो अपन बात करें जीनोम 4F1 5D1 6H2 ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब सीरियम प्लस थ्री तो शो करेगा ही करेगा, उसके अंदर जीनोम 4F1 होगा, बट आप जानते हैं कि सीरियम प्लस फोर अगर शो करें तो इनर्ट के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सर। इसी प्रकार से अगर ये अपन ये तो इसका एटॉमिक नंबर 58 हो गया, अगर अपन बात करें टर्बियम का है ना, टर्बियम का अगर 65 की बात करें तो यहाँ पर जीनोम 4F8 5D1 है ना, 5D0 6H2 यहाँ पर ये टर्बियम जो है वो प्लस थ्री तो शो करेगा ही करेगा, करेगा इसकी बात तो अपने को करनी है। तो यहाँ पर कितना कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पर 4F9 ठीक है ना, 4F9 तो यहाँ पर ये प्लस थ्री अगर शो करता है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4F8 होगा। लेकिन अगर ये प्लस फोर शो करेगा तो जीनोन 4F7 है ना, F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का प्लस फोर भी शो करेगा। तो अपने चर्चा तो केवल सीरियम के बारे में, बिल्कुल सीरियम के बारे में बात करनी है। तो सीरियम के बारे में तो प्लस थ्री एंड प्लस फोर ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में ये याद रखना बेटा F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात, बिल्कुल और प्लस फोर में आएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये सेम वही चर्चा होगी सर। देखो सीरियम प्लस, अब मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली इसको इसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, बिल्कुल है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ठीक। यहाँ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होगा तो इसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आपने जो अभी सर प्लस टू वाली बात कही है उसके एलिमेंट्स को अगर अपन लिखना चाहें तो वो भी चलो अपन बता देते हैं। तो अगर अपन वो एलिमेंट कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन एक मिनट की कर लेते हैं। जैसे एक तो यूरोपियम है सर, यूरोपियम 63 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया जीनोन 4F7 5D0 6H2 ठीक है ना। इसमें अगर अपन बात करें, अगर आयन की बात करें, यूरोपियम प्लस थ्री अगर अपन बनाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जीनोन 4F6 हो जाएगा ठीक है ना। लेकिन अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता 4F7। तो ये प्लस थ्री के अलावा प्लस टू भी, बट प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगी, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये खुद जो है वो ये वाली कम स्टेबल होगी, तो आपने जैसा कि बताया ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बिल्कुल। और इसी प्रकार से इटरबियम और है गया 70 जिसका कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बात करें जीनोन 4F14 5D0 6H2 तो इसकी प्लस थ्री तो ऑब्वियसली शो होनी है, बिल्कुल सर। जिसका कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 4F13 हो जाएगा, और अगर ये प्लस टू शो करता है तो इसका इसको 4F14 बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम भी लिया है ताकि बच्चों को बात समझ में भी आ जाए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगे, बिल्कुल। तो अपना आंसर आ गया, सेकेंड आंसर आ गया इसमें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन विद ऑल मेटल्स आयन हैव 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है कि 3D2 कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसके डी में किसमें, जैसे टाइटेनियम के आउटर मोस्ट में डी में दो होते हैं, बिल्कुल, और एस में दो होते हैं, तो एस वाले निकल जाएंगे। इसके वैनेडियम 3D3 4S2 कॉन्फ़िगरेशन, दो एस वाले निकल गए, एक डी वाला निकल गया, क्रोमियम का D5 4S1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, चार इलेक्ट्रॉन निकल गए, आंसर अपना आ जाएगा, बिल्कुल सेकंड आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सर पूछे जाते हैं। और इनमें क्या पूछ लेते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता है। अभी तो इनमें क्या सभी में दो है तो अब सेम ही आएगी इनमें, नेक्स्ट बात करें सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक करेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड्स फॉलोइंग द ऑर्डर। अपन देखें नॉर्मली कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटलिक करेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होंगे, तो बेसिक करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, अपन बोलते हैं नॉर्मली। अपन एक बात करें तो मेटल्स के ज्यादातर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के ज्यादातर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप तो क्या होंगे, बेसिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम आयरन अपन इसमें लेफ्ट टू राइट सिस्टमैटिक जा रहे हैं तो इसके अंदर बेसिक करेक्टर जो डिक्रीज। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं सर, इन द रिएक्शन इस अभिक्रिया में अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसकी रिएक्शन अपन इसको गर्म किया N2+H2+Cr2O3 बन गया, तो कोफिशिएंट इसका पूछा है, गुणांक पूछा है, तो बताएं सर। इसमें सर अपने ये एग्जैक्टली क्वेश्चन अपने इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि अपन एक रिएक्शन और पीछे देख चुके हैं, अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन देख चुके हैं, उसमें ऑक्सीजन बन रही थी, बिल्कुल सर। और अभी यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर अमोनियम आयन अपने लिया है और यहाँ पर क्या बन रहा है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बनाने के लिए और नाइट्रोजन बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड्स के रूप में अपन इनको, और इसमें अगर रिएक्शन को बैलेंस करने का जनरल सा काम है तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, चार वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और ये एक्सप्लोजिव भी रिएक्शन होती है और ये फायरवर्क्स में भी यूज होती है रिएक्शन का।
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चीज आ गई पैसेज आ गए अपने पास, तो इनमें देखें सर, तो पैसेज तो आप बता रहे हो कि कैसे थ्योरी में आ जाते हैं, बिल्कुल थ्योरी में पढ़ लेंगे बच्चे, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक से। हां ये 58 से 71 लेंथ एंड एलिमेंट्स के बारे में चर्चा है, और अपन पहले से जानते हैं उनके बारे में क्या क्या चीजें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड गिवन बिलो इज, बताएं सर। उसके बाद में सीरियम से स्टार्ट होता है, फिर नियोडाइमियम आता है, दो नंबर पे आता है, और लास्ट में ल्यूटेशियम आता है। अपन जान सकते हैं कि ये तो एंड का पार्ट है, इसका आईपी सबसे ज्यादा है, तो बेसिक करेक्टर सबसे कम तो इसका होगा, थर्ड का सेकंड का जो है वो सबसे कम बेसिक करेक्टर होगा, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा। इसमें मेरा थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, ये दोनों ऑप्शन सेम से आ गया, तो इसको ये कर लेना कि ऐसे कर लेना, यहाँ पर आपको हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो पैसेज वही चल रहा है, व्हिच लैंथेनाइड फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एक तो वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, और दूसरी बात इसका जो चार्ज साइज रेशियो भी ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे कम साइज वाला तो सर ल्यूटेशियम है, स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी और वैकेंट ऑर्बिटल, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपने पास कौन आ गया, स्मॉल साइज किसकी आ गई, ये पूरे लैंथेनाइड एलिमेंट्स की है ना, सारे वही हैं, लैंथेनम डिब्लो का हो गया, बाकी लैंथेनाइड्स हैं, इसमें ल्यूटेशियम सबसे स्मॉल साइज का हो गया, तो आंसर आपका ल्यूटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड बाय यूजिंग कैटायन एक्सचेंज कॉलम द लैंथेनाइड आयन व्हिच इज ऑब्टेंड फर्स्ट। बिल्कुल सर, लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए अपन ये आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं, और उसमें अपन सॉल्यूशन को, आयनिक सॉल्यूशन को अपन कॉलम से गुजारते हैं, रेजिन से, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाला जो है वो सबसे पहले सेपरेट होगा। बिल्कुल, अगर अपन चारों आयंस के अंदर अपन बात करें तो इसमें ल्यूटेशियम प्लस 3 सबसे स्मॉल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हिच लैंथेनाइड डज नॉट अकर नेचुरली, कौन सा नेचर में नहीं मिलता। प्रोमिथियम सर, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, प्रोमिथियम। अगर अपन बात करें 4F सीरीज की, तो सीरियम से लेकर अगर अपन ल्यूटेशियम, ये अपने पास कंप्लीट सीरीज है 58 से लेकर 71 तक, इसमें एक प्रोमिथियम एलिमेंट है जो सिंथेटिक है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, और इससे पहले डी ब्लॉक के अंदर अपन बात करें टेक्नीशियम हो गया। बिल्कुल, मैनमेड सबसे पहला जो आता टेक्नीशियम आ जाएगा। अगर 92 यूरेनियम तक बात करें तो प्रोमिथियम ए ब्लॉक का हो गया 4F सीरीज का, और एक टेक्नीशियम डी ब्लॉक का हो गया, तो 90 एलिमेंट हो गया, उसके बाद की चर्चा है अपन जानती है। नेक्स्ट बात करें, द 4F14 configuration is observed in, सर ने अभी बताया था आपको। बिल्कुल, ये अपनी जो चर्चा वो यहाँ पर काम आ जाएगी सर, ये ईट्रियम 70 और ल्यूटेशियम 71, अगर इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, तो यहाँ पर 4F14 5D0 6S2 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ल्यूटेशियम की बात करें तो 4F14 5D1 6S2 इन दोनों के पास 4F14 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, आंसर अपना जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्साइड्स दे रखे हैं आपको, ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, अपर ऑक्साइड नॉर्मली अपन बात करते हैं, डी ब्लॉक में अपर ऑक्साइड होते हैं वो अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, लोअर में होते हैं वो बेसिक होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे अपन मैंगनीज की बात करें, एमएनओ बेसिक हो गया, लेकिन Mn2O7 एसिडिक हो गया, बीच में एम्फोटेरिक भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपन ये कहना गलत हो जाता है कि मेटल्स के ऑक्साइड जो हमेशा बेसिक होते हैं, डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, हायर ऑक्सीडेशन बताएं सर, यहाँ से एक तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्लस 5 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल सर, Mn2O7 मैग्नीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर जनरल नॉर्मल, बिल्कुल जनरल अपनी बात होगी। अगर अपन CrO5 की थोड़ी चर्चा अपन अलग से करते हैं, Fe2O3 जो है वो एक प्रकार से बेसिक आ गया, CrO5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रोमिक डाइपॉक्साइड। बिल्कुल, और इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आएगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स में भी ये इसकी चर्चा होती है। बिल्कुल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस 6 होता है, और अपन ये इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइपॉक्साइड की अपन अनस्टेबल होगा तो ब्रोक्सी लिंकेज आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ये इसको अपन प्रोक्साइड की प्रेजेंस के लिए अपन इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, एक्सप्लेन गिवन रीजन, कारण सहित व्याख्या कीजिए, ये एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आ गए हैं। बिल्कुल बताएं सर, पहला ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ दियर कंपाउंड्स ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसमें सीधी सी बात है कि जनरली पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आती है, और N-1D के अंदर जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, तो पैरामैग्नेटिक मिल जाते हैं। बिल्कुल,
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म के लिए. अगर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द ट्रांस एलिमेंट्स मेटल्स आर हाई, तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना एग्जैक्टली अपन थोड़ा एमबीएस से अपन रिलेट कर सकते हैं. तो एमबीएस क्योंकि एस ब्लॉक पे जहां केवल एनएस इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक पे एनएस के अलावा एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स भी, एमबीएस जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसको आप एटोमाइजेशन से इसको रिलेट कर सकते हो. एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो काफी ज्यादा होगी. थर्ड स्टेटमेंट, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. वो अभी बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डीडी ट्रांजिशन का, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ही चाहिए, लिगेंड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जनरली कंपाउंड जो है वो कैसे होंगे कलर्ड होंगे. ये स्टेटमेंट तीनों बातें अपन पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट. ये बात अभी आपने बताई थी सर, वेरिएबल वैलेंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेनली इनकी, तो उसके कारण ये क्या करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद स्पेशल रेफरेंस द फॉलोइंग. बिल्कुल सर, कैटालिटिक बिहेवियर की चर्चा हो चुकी है. बिल्कुल अभी अभी अपन ने की है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए अभी बताया था कि तीन चीजें जरूरी होती है, स्मॉल साइज, वैकेंट ऑर्बिटल एंड हाई चार्ज डेंसिटी. तीनों चीजें इनमें मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, इसलिए अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ज्यादातर किसकी चर्चा होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा होती है. अगले बताएं सर, इंटरस्टीशियल कंपाउंड अपन जानते ही हैं कि इंटरस्टीशियल कंपाउंड में छोटे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन बोरोन कार्बन जो इंटरस्टीशियल साइड्स पे आ जाते हैं, जिसके कारण कोई प्रॉपर्टीज मेटल से डिफर हो जाती है. बिल्कुल, इनके क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस रह जाता है उनमें आ जाते हैं. बिल्कुल, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये स्टोइक नॉन स्टोइकोमेट्रिक भी हो जाते हैं, ये न तो आयनिक होते हैं न कोवलेंट होते हैं, अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस जो हार्डनेस बढ़ जाती है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी घट जाती है. नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखते हैं अपन. कैलकुलेट द जेड इफेक्ट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल एटम अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल. बताएं सर, इसमें निकल का सबसे पहले तो कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, और अगर अपने वो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना तो बिल्कुल जीरो से लिखना पड़ेगा, और n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 हो गया, और डी के इलेक्ट्रॉन भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ. बिल्कुल सर, डी के इलेक्ट्रॉन निकल है तो मैं 8 लिखूंगा, और 4s2 ये तो n सेल हो गया, और ये n माइनस 1 सेल हो गया, और ये n माइनस 2 हो गया, और ये n माइनस 3 हो गया. तो अपन जैसा कि जानते हैं जेड माइनस सिग्मा अपने को करना है, एक इलेक्ट्रॉन पर जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 4s का पूछा है अपने को, तो आउटर एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा अपन पॉइंट 35 से कैलकुलेट काउंट करना है अपने को, एक पर तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको तो फ्री करना पड़ेगा. ये 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका अपन 0.85 से कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर सर ये 8 × 1 से, और यहां पर ये दो इनको भी अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिग्मा कैलकुलेट अपन कर रहे हैं. और फिर अपन जेड अपन जानते ही हैं, जेड इसके लिए कितना होता है 28 हो गया, तो जेड इफेक्टिव अपने को पूछा है, तो जेड माइनस सिग्मा करते हैं, तो यहाँ पर 28 माइनस सिग्मा जो आप कैलकुलेट करोगे ये एग्जैक्टली 4 के आसपास आएगा. ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, तो आंसर अपना जो इसके अंदर क्या जाएगा 4 था जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इन कॉपर सल्फेट डॉट 5s2. बिल्कुल सर, ब्लू विड्रॉल भी बोलते हैं इसको. बिल्कुल सर, बिल्कुल, और इसको अगर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बात बच्चों को डायरेक्ट समझ आ जाएगी, H2O का होल 4, और ठीक है ना, SO4 और H2O. बिल्कुल सर, तो डायरेक्टली कितने अटैच हैं, 4 एटम अटैच हैं, और साथ में एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें चारों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है. कौन से, कोवलेंट बॉन्ड है. बिल्कुल सर, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में बिल्कुल सर प्रेजेंट होंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ प्रेजेंट. ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस आयनिक लैटिस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बॉन्डेड है. तो ये याद रखना, ये चारों अपने पास बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसमें ब्लू विट्रोल के अंदर. तो आज अपने सर डी एंड एफ लॉ कंप्लीट कर लिया अपना. बिल्कुल, नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.